जय जगन्नाथ, नमस्ते। आशा करछि भलरे थिबे समस्ते। तो आमे जो सीरीज स्टार्ट करथिले प्रिपोजिशन, ऑलरेडी मु तार पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो बनै सरछि। जय तो माने से वीडियो को देखिनाओ ताहाले हमरो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मु तार लिंक दे देबि, तुमे सेठी मते जाई देखि पारियो, नहले तुमे प्लेलिस्ट रे 1 बाय 1 वीडियो जाई कि देखि पारियो। तो आज आमे किछि नुवा प्रिपोजिशन लेके आछि जहा कि हमको बहुत कन्फ्यूजन कराए एवं आमे एग्जाम रे ताको भूल करिके आसु। तो सेही भले प्रिपोजिशन को आज आमे डिटेल इन लॉजिकल वे रे पढिबा, जेमिति कि आउ हमर कोनोसे भी दिन से विषय रे कन्फ्यूज रहिबो नाही। तेनु समय बिलम न करि चालंतु आरंभ करि। तो आज आम पढ़ा कौन ना जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड था हमर प्रिपोजिशन है कौन ना अंडर, बिलो, बीनीथ एंड अंडरनीथ। तो या भितर आम बहुत कंफ्यूजन हो, जमीक बिलो मैंने भी कौन ना तले, अंडर मैंने भी तले, बीनीथ मैंने भी तले। तो कौन सिचुएशन आम अंडर को यूज करवा, कौन सिचुएशन आम बिलो को यूज करा, कौन सिचुएशन आम बीनीथ कि अंडरनीथ को यूज करा, तो से विषय आज आम डिटेल में बुझा। तो इन जनरल जब आम बुझाप चेस्टा करा, मुझे गोटे पिक्चर करती बर्तमान देख ये किसी पिक्चर करती से आम रिलेट कर देखापी चेस्टा करवा कि एक्जाक्टली कौन सिचुएशन में कौन बसे। जमी मुझे कौन कही ना प्रिपोजिशन मैंने कौन कही ना प्री प्लस पोजिशन से गोटे नाउन कि प्रोनाउन आगुरु बसिक अदर वार्ड सहित से रिलेसनशिप बिल्ड करे। तो सेमती मुझे किसी किसी वार्ड लिखी सहित कौन कौन रिलेक्शन अच्छी, कौन प्रिपोजिशन बसिले रिलेसन ठीक हम, तो से विषय में बर्तन आम देखा चेस्टा करा। देख ये गोटे लाइट अच्छी, लाइट तले कौन अच्छी ना गोटे टेबुल अच्छी, टेबुल उपरे कौन अच्छी ना गोटे बुक अच्छी, टेबुल तले ठीक कौन अच्छी ना गोटे प्लांट अच्छी, देन कौन अच्छी ना आम ये गोटे बक्स अच्छी, बक्स तले गोटे बल अच्छी, एटी गोटे एमती बक्स अच्छी, ता भितर कौन ना गोटे बल आसी। तो एति ही पिक्चर अच्छी। बर्तमान मुझे जिते भी प्रिवियसली पढ़ी ताकू मध्ये एथरे आमे लिंक करिबा एवं कंपेयर करिबा कि एक्जाक्टली कौन सिचुएशन रे कौन बसुचि, बुझि होउचि। अच्छा बर्तमान मते कह, जदि कोनोसे लाइट अछि ता तळकु जदि डायरेक्टली किछि अछि, जेंति कि मु तुमको प्रीवियस वीडियो रे कहितले कोडे किछि जिंस अछि वर्टिकली ता उपरे जदि किछि थाय ताले आमे ओवर यूज करथुलु, किंतु वर्टिकली न थाय जदि आउ कोनोसे जगह रे एमिति थाय ताले आमे एभव यूज करथुलु। तो एक्जाक्टली सेहा आमे अंडर केतेबेले यूज करिबु ना, सपोज गोटे जिंस हाइट रे अछि तार ठीक तळे वर्टिकली जदि तळे गोटे जिंस अछि ताले सेटि आमे कोन यूज करिबु ना अंडर को यूज करिबु। देखो जेंति टेबल तळे वर्टिकली कोन अछि प्लांट ताले दैट प्लांट इज अंडर द टेबल, सेम द टेबल इज अंडर द लाइट, बुझि होउछि। अच्छा किंतु ए जो लाइट तळे एक्जेक्टली तो बॉक्सटा नाही ना, बॉक्सटा ठीक सपोर्ट को अछि ता तो वर्टिकली नाही, तनो एठी कोन होबो ना द बॉक्स इज बिलो द लाइट, बुझि होउछि। ताले अंडर कोन कहिले ना जोडी वर्टिकली तळे थिवो, बिलो कोन कहिले ना वर्टिकली न थाई ठीक जदि सपोर्ट को थिवो किंतु तळ लेवल थिवो, तो सेतळे आमे कोन यूज करछ ना बिलो, सेटा तो बुझि पालो बर्तन अंडर और बिलो। बर्तन क्वेश्चन आसला सर ए जो आपण लेखिछन बिनीथ, बिनीथ को कौन यूज करिया। देखो ये गोटे बॉक्स अच्छी, एटी कौन अच्छी ना लाइट उपर अच्छी, ता भितर किसी गैप अच्छी, तापर अच्छी टेबुल, तो वर्टिकली सेटा थिला आमे अंडर यूज करलु। प्लांट भी सेमती तांको भितर गैप अच्छी, किंतु ये जो बॉल ये जो बॉक्स एक्जाक्टली तले ही ये बॉलटा लगी, बुझी पार्छ माने जोड़ी ही ताको अच्छी। तो जोटी जोड़ी ता तले थी से आम कौन यूज करवा ना बीनीथ को यूज करवा, बुझी हो कि नहीं। ताले अंडरनीथ कौटी ना अंडर जो अंडरनीथ को भी सही यूज कर पारे, कि अंडरनीथ को यूज कले कौन हुए ना फॉर्मल सेन्स में आम अंडरनीथ को यूज करूँ। अच्छा बर्तमान मत कह मुझे ये किसी लिखी बर्तमान तुम्हें बर्तमान मत कह ये कौन हम सब फिलअप हम तुमको तो कनसेप्ट बुझेदी बर्तमान तुम्हें कह कौन बस प्लांट और टेबुल रिलेशन देखा तर प्लांटा टेबुल कौटी अच्छी ना तले अच्छी वर्टिकली अच्छी ना सेपट को अच्छी ना सर वर्टिकली अच्छी ताल भी आम कौन यूज कर ना सर अंडर को यूज करवा। अच्छा बर्तमान बॉक्स और टेबुल रिलेशन देखा, ये जो बॉक्स और टेबुल टेबुल टू तले तो बॉक्स अच्छी किंतु ता तो डायरेक्ट वर्टिकली नहीं ठीक सपोर्ट को अच्छी, ताले हमें कौन यूज करिया ना बिलो यूज करिया सेते बुझी होची। अच्छा सेमती बॉक्स आउ लाइट रो देखिया, लाइटटा बॉक्स पाखर ऊपर अच्छी किंतु हमें बॉक्स रो रिलेशन देखुचे बॉक्सटा लाइट रो कोनी अच्छी ना तले अच्छी डायरेक्ट डायरेक्ट तले अच्छी ना ठीक सपोर्ट को अच्छी, ना सर ठीक सपोर्ट को अच्छी, ताले हमें कौन यूज करिया ना बिलो यूज करिया, बुझी होची। अच्छा सेमती बॉल आउ बॉक्स भितर ए जो बॉलटार रिलेशन देखुची बॉक्स सहित, ताले बॉल रो बॉलटा जो अच्छी बॉक्स रो तले अच्छी ताले जोड़ी की अच्छी ना छाड़ी की अच्छी ना सर जोड़ी की अच्छी ना जोड़ी थी कौन यूज करिया ना सर बीनीथ यूज करिया, तेणु आम कौन यूज करिया एटी बीनीथ को यूज करिया, बुझी होची। बहुत इजी कॉन्सेप्ट किसी ना लॉजिकल वे रे पूरा इमेज तुम माइंड रे छापी जीवो केबे भी तुम्हें आउ कन्फ्यूज हो ना। अच्छा सेमती कोनो बुक रो रिलेशन देखिबा खास करो टेबल सहित, बुकटा कोनडी होची ना टेबल ऊपर अच्छी ताले मु कोन कहिथिल ना सरफेस टिक ऊपर जदी जोडिक थिबो मु कोन कहिथिली ना ऑन कहिथिली मु पार्ट 1 रे ऑलरेडी तुमको एटा पढ़ेथिली, जदी देखिनो ताले जाई के देखो ताले कोन होबो ना एठी कोन होबो ना ऑन यूज होबो। तो बर्तमान देखिबा लाइट रिलेशन बॉक्स सहित, बर्तमान को लाइटटा कोनडी होची ऊपर अच्छी ना तले अच्छी ना सर बॉक्स टू ऊपर अच्छी ताले एभव होबो ना बिलो होबो ना सर बहुत इजी काहे ना भाटी उपरे नहीं एटा एपोर्ट को अच्छी तेणु कौन हम एटी ना एब। अच्छा आउ मुझ कौन पढ़ी प्रीवियस वीडियो रे ना जदि गोटे जिनस मूव करके भितर को आसे ताले आमे कौन यूज करते ना आम यूज करते इंटू, बुझी होची। अच्छा सेमती आउ कौन यूज करते ना जदि गोटे किसी जिनस मूव करके आसिक पड़ी पुणी
छिटिकी जाऊँ कि रही जाइपे तो से कौन यूज करुचे ना से अपन यूज करुचे। अच्छा ऑन टू आम के यूज करुचे ना जदि गोटे कौन जिनस गोटे स्पेसीफिक जगह तार ये ही से रोहे तो मुझे कहली ये जिनसटा मुव कर नहीं रखीदि बुझे तो यहाँ जब मुव कर नहीं रखीदि तार डेस्टेसन से तो आम कौन यूज करुचे ना ऑन टू को यूज करुचे। तो मुझे तुम पिक्चर मध्यम देखेदेली कि जेनराल कनसेप्ट आम कमी यूज करूँ बिलो को अंडर को आनीत को बर्तमान आम देखा डिटेल एक्जाक्टली से कौन कौन सिचुएसन यूज हूँ जानवा बुझापी चेस्टा करवा मुझे तुमको अलरेडी जनरल सेन्स में कौन कही अंडर भर्टिकली जो तले थी आम अंडर को यूज करूँ तो आउ कौन कौन सिचुएसन बर्तमान देखा देख मुझे कौन लिखी डायरेक्टली लयर पोजिशन नो फिजिकाल टच देख ये जो टेबुल तले डायरेक्टली लयर पोजिशन कौन अच्छी प्लांटा अच्छी फैन तले डायरेक्टली लयर पोजिशन कौन अच्छी ना आम टेबुल अच्छी तो आम से कौन यूज कर अंडर को यूज कर एक्जाम्पल लिखा द प्लांट इज अंडर द टेबुल द प्लांट इज अंडर द टेबुल डायरेक्टली तले ही अच्छी तो से कौन है ना अंडर को आम यूज कल ये तुम अलरेडी कही आउ कौन सिचुएसन यूज करना टू टक् अबाउट द एज एंड द क्वांटिटी लयर लेवल कौन कौन ना जब आम कह एज तौ लेवल अच्छे तो से आम अंडर को यूज करवा कि जिनस क्वांटिटी में कम अच्छे से आम अंडर को यूज कर तो एक्जामपल कौन लिखी ना चिल्ड्रेन अंडर फाइव कैंट बी एडमिटेड इन स्कूल तो पांच वर्ष रु कम पिला स्कूल एडमिशन हो पारे ना तार एज रु जब लयार हम से आम कौन यूज करवा ना अंडर को आम यूज करवा बुझे। अच्छा बर्तमान आउ कौन सिचुएसन क्वांटिटी भी कम है मुझे कहली ना हिज इनकम पर मंथ इज अंडर 10,000 तार मसक इनकम 10,000 रु कम तो 10,000 रु कम सेन्स क्वांटिटी सेन्स कम आसमें कौन यूज करना अंडर को यूज कर आशा कर बुझीपार्छ बर्तमान देखिए आउ कौन सिचुएसन यूज करुचे ना टू टक् अबाउट द सिचुएसन और स्टेट अफ द माइंड जब आम कौन गोटे स्टेट अफ माइंड विषय कहुच्छा सिचुएसन विषय में जोटी कौन आम किसी लयर पोजिशन लो फिल करूँ तो से अंडर को यूज करूँ एक्जामपल देख मुझे लिखी कौन ना हि इज अंडर ए लट अफ प्रेसर आफ्टर हि लस्ट हि जब तेल आम कौन यूज करे ना अंडर को यूज करे कौन पाई ना सी बर्तमान बहुत प्रेसर में अच्छी बुझीपार्छ कौन पाई प्रेसर में अच्छी ना जेहेतु तो जब ता हाथ पलि जाइए ए कोरोना समय से सी बहुत टेनसन अच्छे प्रेसर में अच्छे तो से सिचुएसन स्टेट अफ माइंड आम कौन यूज कलु ना अंडर को यूज कलु आशा कर समस्त बुझीपार्थ नेक्स्ट देखा अंडर इज यूज टू कवरेज सेन्स तेल मुझे कौन कहला अंडर को किसी कवरेज सेन्स यूज कर देख मुझे एक्जामपल से पिक्चर बनई सपोज ये गोटे सीसीटीवी कैमरा लगी तार एरिया कौन ना एति से कभर करुच्छे तो ता भितर जहाँ भी जिनस अच्छी जब आम रिलेट करवा से जिनस को सीसीटीवी सहित तेल आम कौन कह दिस टेबुल इज अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस सपोज तुम्हें ये आसिक बस बुझ तुम्हें ये आसिक बस तो तुम सीसीटीवी पड़ू तेल यू आर लेखा ही देख जो सीसीटीवी लगे से देख लिखा ही यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस बुझीपार्छ तो जो तुम्हें कवरिंग सेन्स दौर तो से कौन यूज करे ना आम अंडर को यूज करे सपोज मुझे फैन तले बस गरम दिनिया जब मुझे खाली फैन से लगे मुझे तले बस आम बिलो यूज करते कहीं भर्टिकाली मुझे तले बसनी कितु सपोज फैन मो ऊपर लगे टे से लगे कि हावा दूसरी जो से हावाटा मो देह को लगुच कवरिंग सेन्स आसी कि तार हावा कभर में मुझे आसी तो से आम अंडर को यूज करवा देख मुझे एक्जामपल दे तुम्हें बुझीपार डिटेल देख यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्भेलांस ताने कौन ना तुम सीसीटीवी रो कवरेज भितर तुम अच्छ तो से आम कौन यूज करे से तुम ठीक भर्टिकाली उपरे नी सेपटे थे जेहतु कभर में तुम आसी तो से तुम कौन यूज कर ना अंडर को यूज कर स्पेशल यही गुड़ा ही तुमको एक्जाम पकई दिए कन्फ्यूज करने गोटे कौन अच्छी ही इज सिटिंग अंडर द फैन टू गेट रीड अफ हॉट समर। अच्छा देखो जब मुझे खाली ये कही था हि इज सिटिंग अंडर द फैन एतिक जब मुझे लिखि ना तो तुम्हें कौन भाव ना एट तो किसी भर्टिकाली आम जापारे तो तुम्हें बिलो भी लिखिपार कितु सी कौन कला ना चालाकी कर कौन दे सी कहला कि तुम फैन हावे बस जेहतु तुम्हें गरम फिल कर तो से तुम से कौन यूज कर ना अंडर को यूज कर कहीं सी अलरेडी तुमको क्लो दे कि एक्जाक्टली कौन सिचुएसन आशा करुच्छ तुम्हें डिटेल बुझीपार्थ कौन कौन सिचुएसन आम अंडर को यूज करे बर्तमान देखिए कौन सिचुएसन आम बिलो को यूज करे मुझे ये कौन कह देख फैन तले डायरेक्ट भर्टिकाली कौन अच्छी ना टेबुल अच्छी द टेबुल इज अंडर द फैन कह कि जो प्लांट कथ कह द प्लांट इज बिलो द फैन कह कहीं डायरेक्ट भर्टिकाल ना से दूर अच्छे तो ये सिचुएसन तो अलरेडी मुझे सारे आउ कौन सिचुएसन आम बिलो को यूज करे देख मुझे लिखी लयर देन समथिंग बट इन ए सरफेस से गोटे प्लेन सरफेस जब गोटे जिनस अच्छी तले जब आउ गए जिनस अच्छी तो से आम कौन यूज करवा ना बिलो को यूज करवा तार तौ जिन देखापी देख मुझे गोटे एक्जामपल नहीं सपोज ये गोटे व्वाल अच्छी व्वाल्रे फास्ट गोटे फटो टंगा है तले आउ गए फटो अच्छी तो यहाँ गोटे प्लेन सरफेस तो से कौन हम ना ये जब कौन जिस लयार देखापी चाहूँ तेल आम बिलो यूज करवा जमी कह फोटोटा बिलो यही फोटो अच्छे एक्जामपल मध्यम बुझाई चेषा करवा देख कौन लिखी ना माई फोटो इज हंगिंग बिलो माई फादर्स फोटो सपोज ये मो फादर्स फोटो अच्छे ये मो फोटो अच्छे तो मुझे कहि ना मो फोटोटा मो बापा फोटो तौक ही झुलूँ तो से समय मुझे यूज कर माई फोटो इज हांगिंग बिलो माई फादर्स फोटो बुझे। अच्छा सेमती आउ कौन अच्छे ना रीड द इनस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू स्टार्ट
तो तुम जो एक्जामिनेशन सेंटर को जाइए देख तुमको फास्ट अफ अल इनस्ट्रक्शन आसत तो तुमको सीट कौन लिखा आसत ना रीड द इनस्ट्रक्शन केयरफुली बिलो बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम तो एमती ही लिखाई था तो मुझे भी लिखी देख रीड द इनस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू स्टार्ट बुझी तो ताले कौन ना गोटे सरफेस जो किसी तौक दिखाई इनफर्मेशन से आम कौन देखुचे ना बिलो को यूज करुचे बुझी अच्छा आउ कौन सिचुएशन यूज करुचे इन रिलेशन टू ए रेफरेन्स पॉइंट ताले से कौन कहूँ ना जो गोटे रेफरेन्स पॉइंट सर रेफरेन्स पॉइंट कौन सपोज गोटे कॉलेज रे एंट्री नापी से अलरेडी गोटे स्टैंडर्ड बनई था कि एतिक मार्क हेले स्टैंडर्डटा एतिक लेवल जो मैंने उपरको रखे आम ही 80% जो मैंने उपरको रखे आम सिलेक्शन करेंगे रेफरेन्स पॉइंट कौन होगा ना 80% तो जोटा स्टैंडर्ड से गोटे फिक्स करता है जी हेले ही सिलेक्शन हो तौक जो मैंने आम नबू ना तो सेमती से कौन कह जाए रेफरेन्स पॉइंट तो ये मुझे लिखी देखो योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज ताले गोटे एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस को मापा जाए जमी हायर लॉयर एवरेज तो तार एवरेज गोटे रेफरेन्स पॉइंट ताठ तौक जो तार परफॉर्मेंस अच्छी तो से आम कौन यूज करे ना बिलो को यूज करे लिखा है योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज आउ गए कौन अच्छा टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कौन ना तुम जान जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट तो तौक जो टेम्परेचर जाऊँच आम कौन कहते ना सेटा जेहतु गोटे रेफरेन्स पॉइंट गोटे स्टैंडर्ड तो तौक आम कौन यूज करे ना बिलो को यूज करे से लिखे आम टेम्परेचर हेज ड्रॉप्ड आम जो टेम्परेचर कमी जाए ना फ्रीजिंग पॉइंट रू तौक गलानी तो मैंने बरफ हो जाए सब कुछ बुझे तो टेम्परेचर हेज ड्रॉप्ड बिलो को आम यूज कले बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट तो यही सिचुएशन में आम बिलो को यूज करे बर्तमान देखिए जो बिनीथ अच्छे आम कौन सिचुएशन में यूज करे तो बिनीत को तो मुझे पिक्चर मध्यम कही कि जदि कौन सर्फेस को टच है कि गोटे तले जिन थी तो से बिनीत को यूज करते तो से लिखी देख द टचेस अफ द सर्फेस डायरेक्टली अंडर तो जब डायरेक्टली किसी अंडर में बच्चे पर टच है तो से बिनीत यूज करते एक्जामपल लिखी देख माइ मोबाइल इज बिनीत योर पिलो तो मैं तकिया तेल कौन अच्छी ना मो मोबाइल अच्छी तो टच है जेहतु अच्छे आम से कौन यूज करे ना बिनीत को यूज करे बुझी किसी भी डाउट रही पूरा कनसेपचुअली तुमको कहूँ ना टू टॉक अबाउट द इमोशन इन इमेजिनरी सिचुएशन ताले मुझे कौन कहली इमेजिनरी सिचुएशन में जब आम गोटे इमाजिन करे गोटे लोक को देखिक तार इमोशन विषय से सीना उपर हसुच्छे तर से बहुत दुख रहा अच्छे तो आम इमाजिन करे प्रकृत से दुख अच्छे कि ना आम जानू जमी जोकर को देखो सब हसुव कि बहुत सारा दुख थाए मुझे देखो तो जोकर मुझी तो सेमतीका ये कौन अच्छी ना देर इज अ सैड पर्सन बिनीथ द हैप्पी फेस ताले जो तुम्हें देखु खुशी जो लोग मैंने बहुत खुशी थाए ता लाइफ रे बहुत सारा दुख घटना घटी थाए से सी आज आसिक कौन ना से हसवा शिखी जाए से हसुच्छे बुझे तो एमती आम इमाजिन करे कि तार जो हस उपर सीना से हस फेस आम देखुचे कि तले बहुत दुख लुचिक रही अच्छा एमती सिचुएशन आम बिनीत को यूज करूँ तीन नंबर कौन अच्छी ना टू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ प्रिंसिपल्स आम कौन कहे ना जदि कौन कहार लेवल प्रिंसिपल्स डिग्निटी विषय जो आम कथबार्ता करे तार प्रिंसिपल तौक किसी आसवा लेवल किसी तौक आसमें कौन यूज करे ना बिनीत को यूज करे एक्जामपल लिखी देख एक्सेप्टिंग ब्राइब इज बिनीथ माइ प्रिंसिपल्स मु ब्राइव नवा क्या लाच नवा मो प्रिंसिपल बहुत तले मुझे भी से कम करें से नीच कम मुझे बुझेगा तो से ही समय तुम्हें देखापी कौन यूज करो ना लॉयर लेवल काम को आम बिनीत को यूज करे बुझेगा तो नेक्स्ट सेंटेंस कौन अच्छी ना टेकिंग मनी फ्रॉम गर्लफ्रेंड इज बिनीथ माय डिग्निटी मो गर्लफ्रेंड पाखु मो पैसा धार नवा मो डिग्निटी तौक से पल देख आमर गोटे मेल इगो गोटे थाए मेल इगो जमीक जब मुझे पैसा धार नेबी तो सी कौन भाव या पाखे किसी ना तो से देखे हेपाई से कौन कहे ना मो डिग्निटी बहुत तौक मुझे झील छुआ पाखु पैसा धार ने तो एमती बहुत जन थाए जो तुम्हें भी एमती करते तो यही वर्ड को यूज कर कि बिनीथ माइ डिग्निटी बुझीगला अच्छा अंडरनीथ अंडरनीथ माने कौन ना मुझे केवल कही कि अंडरनीथ को आम आम अंडर बदल भी आम यूज करें कौन ना मुझे लिखी देखो वी कैन ऑल्सो यूज अंडरनीथ इनस्टेड ऑफ अंडर आम अंडर बदल यूज करें अंडरनीथ को कौन पाए ना टू शो द फॉर्मल एक्सप्रेशन लगे ठीक अच्छे बदल जब आम मैंने अंडरनीथ लगाऊे तो फॉर्मली शो कर एक्सप्रेशन टाइम आउ कौन अच्छे ना टू गिव मोर एम्फासिस ऑन ए सिचुएशन कौन से सिचुएशन में अधिक एम्फासाइज देवाई हाँ ता तले ही से जिनसा अच्छी तो से कौन अंडरनीथ यूज करवा जमीक कौन कहबी येस आई हाव सीन दैट मोबाइल इज अंडरनीथ दैट पिलो मुझे देखी पास तले ही अच्छे एम्फासीस देखिए जो कौन तो से आम अंडर बदलने अंडरनीथ को मैं यूज करवा तो ऑल अबाउट मुझे पढ़ी कौन ना बर्तमान अंडर बिलो बिनीथ और अंडरनीथ विषय बर्तमान देखा आउ कौन नेक्स्ट अच्छी जहाँकि आमको बहुत कन्फ्यूजन कराए एक्जाम पढ़ाई चेस्टा करवा तो बर्तमान आम जाना बिसाइड और बिसाइड्स भितर डिफरेन्स कौन जहाँकि आमको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कैं कौन कौन सिचुएसन आम यूज करूँ से विषय आज आम डिटेल बुझापी चेस्टा कर देख मुझे डिवाइड करके लिखी कि बिसाइड और बिसाइड्स तो कौन कौन सिचुएसन यूज करें ना बिसाइड को आम यूज करूँ कौन सिचुएसन बाय द साइड ऑफ मैंने मुझे
ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ବିସାଇଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବିସାଇଡ଼ସ୍ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ଏହା ସହିତ ଏଡିସନ୍ ହେଇ କିଛି ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ବିସାଇଡ଼ସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦେଖ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ବିସାଇଡ଼ସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ବିସାଇଡ଼ସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ବିସାଇଡ଼ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା କହିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ବା ଏଇଟା ପ୍ଲେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ବିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ ପ୍ଲେସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବଂ ପାଖରେ ତାର ଅର୍ଥ ଆଚ୍ଛା ବିସାଇଡ଼ସ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ ଅଦର ଦେନ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଏ ଜିନିଷ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଝିହେଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ଏଡିସନ୍ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସାଇଡ଼ସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆଚ୍ଛା ଡିଫରେନ୍ସ ତ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାରିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି ତୁମେମାନେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବସିବ ତ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସି ଇଜ୍ ସିଟିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଫାୟାର ସେ ଫାୟାର ଜଳୁଛି ତା ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେବ ବିସାଇଡ଼ସ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ବିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ସାର୍ ବିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେବ କାହିଁକି ନା ବାଇ ଦ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ବୁଝିହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ବିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେବ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିବା ଡେସ୍ ଇଂଲିଶ ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଟିଚ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇଂଲିଶ ସହିତ ବା ଇଂଲିଶ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଏ ଇଂଲିଶକୁ ପଢ଼ାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଏ ତାହେଲେ ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ସାର୍ ବିସାଇଡ଼ସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିସାଇଡ଼ସ୍ ଇଂଲିଶ ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଟିଚ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଚ୍ଛା ତିନି ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟ୍ ସିଟ୍ ଆସିଲା ମାନେ ବସିବା କଥା କୁହାହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ମୋ ପାଖରେ ନା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ପାଖରେ ହେବ ତେଣୁ ପାଖରେ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ବିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିସାଇଡ଼ ହେଲା ଡେସ୍ ଦ କାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ବାଇକ୍ କାର୍ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ତ ଛଡ଼ା ହେବନି କାର୍ ସହିତ ମୋର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ବିସାଇଡ଼ସ୍ ହେବ ବୁଝିହେଉଛି ବିସାଇଡ଼ସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଏଡିସନ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଡିସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିହେଲା ତ ବିସାଇଡ଼ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବସିବ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ବିସାଇଡ଼ କୁହାହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତ ଯୋଡ଼ିକି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁ ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦିସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କାର୍ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ କାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅ ବାଇକ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ମୋବାଇଲ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏହା ସହିତ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବିସାଇଡ଼ସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ବିସାଇଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେତେ ବି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ୍ କରିକି ଆସିବ ତ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥାଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।